शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। लॉकडाउन के पहले चरण से अब तक जरूरतमंदों को सेवा देकर नागपुर साई बाबा श्रद्धा सबूरी सेवा संस्था मानवता की उदाहरण दे रही है। ये संस्था पिछले 70 से अधिक दिनों से जरूरतमंदों को खाना वितरित करने का काम कर रही है। लॉकडाउन के 3 चरण हो चुके हैं, अब चौथा चरण शुरू है और यह 31 मई तक होगा। कोरोना के मद्देनजर आगे की परिस्थितियों पर निर्भर है कि लॉकडाउन का 5वां चरण शुरू होगा या लॉकडाउन खत्म किया जाएगा। लेकिन इस ओर ध्यान देने वाली और सराहना करने वाली बात यह है कि पहले चरण यानी कि 24 मार्च से अब तक नागपुर की साई बाबा श्रद्धा सबूरी सेवा संस्था जरूरतमंदों को खाना खिला रही है। लॉकडाउन के चौथे चरण में रियायत देते हुए सरकार ने श्रमिक ट्रेन को शुरू किया है, जिसमें मजदूरों को उनके निवास स्थान भेजा जा रहा है। रेलवे स्टेशन में भी इस संस्था के कार्यकर्ता प्रवासियों को फूड पैकेट, पानी की बोतल देकर रवाना कर रहे हैं। इस सेवा पर संस्था के सचिव साई दूत अनूप मुरतकर कहते हैं कि हम जो भी सेवा दे रहे हैं वो सब साई बाबा की मर्जी से है, हम केवल जरिया है और हम जिंदगी भर यह सेवा देते रहेंगे, बस यही साई बाबा के चरणों में अर्जी है।